हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। तो आज हम लोग हिस्ट्री के ऊपर जो कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर है वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने वही एमसीक्यू उठाए हैं जो एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं या फिर चांसेज हैं उनके आने के, तो सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेड इंडिया, वो पहले मुस्लिम कौन थे जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो वो पहले जो थे मुसलमान थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत के ऊपर सबसे पहले हमला किया था जो कि मुसलमान था। वैन वॉज द बैटल ऑफ तराइन हेल्ड, इसको बैटल ऑफ तराइन भी बोलते हैं और इसको बैटल ऑफ तरावड़ी भी बोलते हैं कई बार, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तराइन बोले या तरावड़ी बोले, ये कुरुक्षेत्र के पास का एरिया है, इसको तराइन या तरावड़ी कुछ भी बोल सकते हैं। जो तराइन के बैटल हुए थे वो दो बैटल हुए थे, जो फर्स्ट बैटल हुआ था वो हुआ था 1191 में और जो सेकेंड बैटल हुआ था वो हुआ था 92 के अंदर। और इसके अंदर ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो बैटल हुए थे ये किन किन के बीच हुए थे। ये बैटल हुए थे, ये हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। जो फर्स्ट बैटल हुआ था उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जो थे वो विजयी हुए थे और मोहम्मद गोरी हार गए थे। लेकिन इस हार के अंदर जो मोहम्मद गोरी हारा था उनको इस बात का एडवांटेज मिल गया कि पृथ्वीराज चौहान ने उनको जीवित छोड़ दिया, यानी कि उनको माफ़ कर दिया था। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने फिर से नेक्स्ट 1192 के अंदर फिर से जो बैटल ऑफ तराइन सेकेंड हुआ उसके अंदर जयचंद की मदद से, जयचंद जो थे वो संयोगिता के पिता थे, क्योंकि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान आपस में प्रेमी प्रेमिका थे लेकिन जयचंद इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता था, तो इसलिए वह पृथ्वीराज चौहान से जो था खुश नहीं था किसी भी हालत पे। तो इसलिए उसने जो तराइन का सेकंड युद्ध था उसके अंदर मोहम्मद गोरी का साथ दिया और इस तरह से सेकेंड बैटल के अंदर पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो बन गया था वो बन गया था मोहम्मद गोरी, इंडिया का फर्स्ट रूलर। इस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है, हु वाज़ द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। तो इसमें क्वेश्चन देखने वाला ये है कि पहले आक्रमणकारी पूछा गया है या फिर रूलर पूछा गया है। अगर आक्रमणकारी बोला जाए तो वो होगा मोहम्मद बिन कासिम, अगर रूलर बोला जाए तो वो होगा मोहम्मद बिन गोरी। जो रूलर होगा वो होगा मोहम्मद गोरी। और उसके बाद इसके जो मोहम्मद गोरी के थे जो दो स्लेव थे, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक का नाम था यल्दूज। जो हिस्सा मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान का हिस्सा था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आया, मतलब जो भी पार्ट इंडिया का था या हमारी तरफ का पार्ट जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आया। उसके बाद ही जब 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तब स्लेव, यानी कि क्योंकि ये उसका स्लेव था तो इसीलिए गुलाम बोल लीजिए स्लेव बोल लीजिए, उसी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 के उसके मरने के बाद इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। स्लेव डायनेस्टी बोल लीजिए या फिर गुलाम वंश बोल लीजिए, एक ही बात है। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट डायनेस्टी हैं जो कि 5 डायनेस्टी थी, सीरियल वाइज ही लगाई हुई है मैंने, और इनके फाउंडर थे। ये हर एक चीज़ हर एक क्वेश्चन बनता है कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, खिलजी के कौन थे, तुगलक के कौन थे, सैयद लोदी, इन सब के इम्पोर्टेंट हैं। और जिनमें इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है वो ये है कि जो इनमें से सबसे ज़्यादा टाइम जो डायनेस्टी रही थी वो थी तुगलक डायनेस्टी। इन्होंने ऑलमोस्ट 94 ईयर तक राज किया है इस डायनेस्टी ने। और उसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई जलालुद्दीन खिलजी, फिर तुगलक आई गियासुद्दीन तुगलक, फिर सैयद डायनेस्टी आई खिजर खान और लोदी वंश के बहलोल लोदी। इसकी एक ट्रिक भी याद करने के लिए, जैसे गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से हम लोग गुलाम यानी कि स्लेव डायनेस्टी, खिले से हम लोग याद रखेंगे
खिलजी, तो से तुगलक एंड सांस से सैयद एंड लो से लोदी। तो एक याद करने की ट्रिक है, कई बार एग्जाम में कोई भी डायनेस्टी आगे पीछे घुमा के दे देते हैं और बोलते हैं कि इनको क्रोनिकल ऑर्डर वाइज लगाइए कि कौन पहले आया था उसको पहले लिखिए, जो बाद में आया था उसको बाद में लिखिए। तो ये गुलाब खिले तो सांस लो, ये लाइन हमें याद करने में हेल्प रहेगी कि भाई वो कौन है। ये फ्री का नंबर होगा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इस वर्ड को याद रखिएगा, इस लाइन को याद रखिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और देख लेते हैं। हु गॉट द टाइटल ऑफ लक बख्श, जो लक बख्श का टाइटल था वो किसे मिला था? तो ये मिला था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये टाइटल इनको इसलिए मिला था बिकॉज ये अपने शासनकाल के दौरान काफ़ी दयालु शासक रहे थे, इसलिए इनको लक बख्श का टाइटल जो है वो मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव। एग्जाम में किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेंगे, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया था चार ऑप्शन दे देंगे, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो थी बनाई थी किसने बनाई थी चार ऑप्शन दे देंगे, कुतुब मीनार किसने स्टार्ट करवाया था तो ये चार ऑप्शन दे देंगे। मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने इन सबको एक ही में कंबाइन कर दिया है। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो है अजमेर के अंदर, और ये मस्जिद जो कुतुब मीनार हैं दोनों हैं दिल्ली के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डाइड वाइल प्लेइंग चोगा या पोलो। पहले बता देता हूँ, पोलो के अंदर चार प्लेयर खेलते हैं, इसके अंदर लेटर भी चार ही हैं, तो इससे याद करना आसान होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये कि पोलो के अंदर कितने प्लेयर खेलते हैं, तो सही आंसर होगा फोर प्लेयर। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। वैसे तो देखो हिस्ट्री में डेथ हर एक रूलर की हुई है, लेकिन इनकी डेथ इसलिए क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये डिफरेंट वे से इनकी मौत हुई थी। ऐसे तीन रूलर हैं जिनकी मौत जो है डिफरेंट वे से हुई थी, तो इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है, एसएससी के अंदर तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये। हु कंप्लीटेड कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को जो कंप्लीट करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कई बार पूछते हैं कि हु स्टार्टेड कुतुब मीनार, स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, और कंप्लीट होने के बाद भी उसके जो स्टार्टिंग उसकी एंट्री गेट थी उसको अलाई दरवाज़ा बोलते हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और बिजली गिरने की वजह से उसकी जो टॉप मोस्ट जो फ्लोर था वो भी काफ़ी ख़राब हो गया था, जिसको बाद में फिरोजशाह तुगलक ने ठीक करवाया था। लेकिन एग्ज़ाम में मोस्टली या तो कंप्लीट पूछते हैं या फिर किसने उसको कंप्लीट किया था या फिर स्टार्ट किया था, ये दोनों चीज़ें ही पूछी जाती हैं मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर। तो इसलिए ये दोनों चीज़ याद रखनी है, स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और ख़त्म करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन, टंका, जीतल, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है बोथ। जो टंका जो था वो था सिल्वर कॉइन था, और जीतल जो था वो था कॉपर का कॉइन था। इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही स्लेव था, जिसने कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को जिसका नाम था आराम बख्श, इनको मारकर खुद सुल्तान बन गया था, और इसके बाद ही सुल्तान बनने के बाद ही इल्तुतमिश ने आराम बख्श की जो सिस्टर थी उसे शादी कर ली थी, और इनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली भी बोलते हैं क्योंकि इनकी जो पॉलिटिक्स थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। जैसे कि मुग़ल अगर डायनेस्टी की बात करें या मुग़ल काल की बात करें, उसके अंदर जो सबसे अच्छा जो शासक माना जाता है वो अकबर माना जाता है, तो उसका रियल फाउंडर जो हुआ अकबर हुआ। उसी तरह से दिल्ली सल्तनत का जो असली फाउंडर है वो इल्तुतमिश को ही माना गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हु सेट अप एंड हु डिस्ट्रॉय तुगरन ए चलगिन चालीसा। बेसिकली ये जो चालीसा था ये 40 लोगों का ग्रुप था, जैसे कि कोई सभा बैठेगी
तो उसके अंदर 40 टोटल मंत्री होते थे, और जो वो जो सभा बैठती थी, जो वो मंत्री डिसाइड कर लेते थे मेजोरिटी के साथ, वही राजा को मानना पड़ता था, वही सुल्तान को मानना पड़ता था। तो ये जो चालीसा जो थी वो स्टार्ट की थी इल्तुतमिश ने, और जो इसको बंद किया था वो किया था बलबन ने, क्योंकि बलबन इस बात को जानता था कि जो चीज़ वो करवाना चाहता है अगर चालीसा उस चीज़ को नहीं मानेगी तो वो चीज़ अप्रूव नहीं होगी, तो इसलिए उसने सबसे पहले राजा बनते ही इस चालीसा को ख़त्म करवाया। हु ऑर्गेनाइज एकता सिस्टम, जो एकता सिस्टम था वो किसने स्टार्ट किया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो वो किया था इल्तुतमिश के अंदर, इल्तुतमिश ने करवाया था। इसमें बेसिकली जो भी इम्प्लॉयज़ थे उसके दरबार में काम करते थे या जो सैनिक थे उनको सैलरी में पैसे की जगह भूमि दान देने का सिस्टम था, उनको लैंड दे देते ही कि आप इसके ऊपर खेती करिए और अपना जीवन निर्वाह करिए। हु वाज द ओनली लेडी रूलर ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रजिया सुल्तान फर्स्ट और लास्ट लेडी रूलर रही हैं इंडिया की, क्योंकि कई बार हम ऐसे वगैरह राइटिंग लिख रहे होते हैं तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग चाहें तो स्टार्ट इनसे कर सकते हैं कि रजिया सुल्तान जो थे फर्स्ट जो है लेडी रूलर रही हैं इंडिया की, फर्स्ट और लास्ट। और जो सभा और समिति जो दो वर्ड हैं ये वैदिक पीरियड से बिलोंग करते हैं, जब मैं वैदिक पीरियड की वीडियो बनाऊंगा तो मैं उनके अंदर समझाऊंगा कि सभा और समिति क्या है। हु इंट्रोड्यूस सिजदा एंड पैबोस, सिजदा बेसिकली ये है कि झुक के सलाम करना, और पैबोस का मतलब है पैर को चूमना। जो ये स्टार्ट किया था बलबन ने, बिकॉज वो अपने अंदर सोचता था कि मैं सुल्तान हूँ तो लोगों को मेरे को झुककर सलाम करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने सिजदा और पैबोस चलाया। बेसिकली किया गया था, जब भी उसकी जूती थी वो उसके ऊपर लाल कलर का लगा के रखता था कि जो भी कोई आएगा उनसे मिलने या उनकी प्रजा का आदमी आएगा तो वो पहले तो सिजदा करेगा और उनके पैर को चूमेगा, और जैसे ही उनके पैर को चूमेगा जो लाल कलर उनके लिप्स पे लगेगा, होंठ पे लगेगा, तो ये चीज़ वो चेक भी करता था कि सही से उसने चूमा है या नहीं, क्योंकि अगर वो सही से चूमेगा तो उसके होंठ पे वो लाल कलर आ जाएगा। तो ये सिस्टम सिजदा और पैबोस जो है वो बलबन ने स्टार्ट किया था। हु वाज द फर्स्ट रूलर टू गिव कैश सैलरी, जो कैश के अंदर सैलरी जो दी थी वो फर्स्ट टाइम दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दैट मींस अब खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हमेशा ही अपने शासन को बढ़ाना चाहा और वो हमेशा ही सिस्टमेटिकली तरीके से चलता था, क्योंकि जो इससे पहले डायनेस्टी में होता क्या था, सारी चीज़ जो थी उनके 40 मंत्री जो होते थे वो संभालते थे, क्योंकि मंत्री कुछ भी बोले, मान लीजिए उनके अस्तबल में 5000 घोड़े हैं, राजा ने पूछा कितने घोड़े हैं, वो बोल देगा 50,000 घोड़े हैं जी, इतने घोड़े हैं जी, मतलब रियलिटी कुछ और होती थी, बताते कुछ और थे। लेकिन इस मामले में अलाउद्दीन खिलजी तेज था, तो उसने जो था एक दाग सिस्टम भी स्टार्ट करवा दिया था कि हॉर्सों के ऊपर दाग लगवाता था और उनकी नंबरिंग करता था ताकि प्रॉपर मैनेजमेंट बनी रहे। विच दिल्ली सुल्तान स्टाइल्ड हिमसेल्फ सिकंदर सानी द सेकंड अलेक्जेंडर, मतलब वो कौन से दिल्ली के सुल्तान थे जिन्होंने खुद को दूसरा सिकंदर का खिताब दिया था, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और जो खिलजी ने स्टार्ट किए थे वो दाग सिस्टम ऑन हॉर्सेस, वो मैंने बताया भी था, मार्केट कंट्रोल स्टार्ट किया, दीवाने रियासत जो कंट्रोल मंडी के ऊपर कंट्रोल था, क्योंकि जो मंडी सिस्टम थी या मार्केट सिस्टम था वो भी इंडिया के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ही ने ही स्टार्ट करवाया था। तो ये तीनों ही इनके इम्पोर्टेंट वर्क थे जो इन्होंने करवाए थे। हु कंस्ट्रक्ट अलाई दरवाज़ा, तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने है अलाई दरवाज़ा कंस्ट्रक्ट करवाया था, और ये वही अलाई दरवाज़ा है जो कि कुतुब मीनार की एंट्रेंस है। आप में से कुछ लोग या काफ़ी लोग गए भी होंगे, तो मैं एक चीज़ और आपको सजेशन देना चाहता हूँ, आप इन केस किसी भी जगह पे जाएं तो प्लीज़ वहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखी होती है मोनूमेंट्स के ऊपर कि ये किस चीज़ से बिलोंग करती है, तो वो चीज़ ज़रूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अब मैं कई बार कुतुब मीनार एक दो बार जा चुका हूँ, तो वहाँ पे जो लिखा होता है मैं पढ़ता जरूर हूँ, क्योंकि जिस जगह पे हम घूमे हुए हैं वो हमारे दिमाग में एक फ़ोटो की तरह छप के रह जाता है, और इनकेस वहाँ पे एग्ज़ाम में वैसा क्वेश्चन पूछ लें
तो वो तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है, क्योंकि उसका आंसर पता ही होता है, बस ऑप्शन देख के ही टिक मारने की जरूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डाइड इन वुडन पैलेस। तो ये जैसे मैंने बताया था कि ऐसे तीन शासक हुए हैं, पहला तो कुतुब मीनार था, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि पोलो खेलते हुए मरे थे, और जो वुडन प्लेस के अंदर जो मरे थे, यानी कि जिस मकान में रुके हुए थे उसके मकान गिर गया था जिस वजह से उसकी मौत हुई थी, तो वो हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की। और जो थर्ड मौत है वो भी बता ही देता हूँ, जो फेमस है वो हुई थी हुमायूं की। हुमायूं जो है वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के उसकी मौत हुई थी हुमायूं की। तो ये तीनों ही जो डेथ हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हु वॉज द मोस्ट लिटरेट रूलर अमंग फॉलोइंग। इन चारों में से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था सबसे ज़्यादा। पहला ऑप्शन है अकबर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सब में से अनपढ़ कौन था, तो अनपढ़ जो था वो था अकबर। उनको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था, जैसे कि वो अकबर मूवी भी आई थी उसके अंदर भी दिखा रखा था कि उसमें जो ऋतिक रोशन थे एज ए अकबर वो रोल कर रहे थे, तो उनको पढ़ना नहीं आता था। लेकिन जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ये खुद को एक बहुत बड़े फिलोसोफर मानते थे, लेकिन इनको टाइटल मिला था पागल राजा का, पागल राजा, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम के अंदर पीतल के सिक्के भी चलाए, चमड़े के सिक्के भी चलवाए, और इन्होंने जो है दो बार अपनी कैपिटल जो है ट्रांसफ़र की। कैपिटल ट्रांसफ़र करने से इनका जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो काफ़ी वीक हो गया था, जो कि इन्होंने कैपिटल जो अपनी शिफ्ट की थी वो की थी दौलताबाद के अंदर। दौलताबाद से फिर वापस आए, इसलिए इनका काफ़ी सारा धन जो है यहीं पे ख़राब हो गया था, तो इसीलिए इनको एक पागल शासक के रूप में माना जाता था। और इन्हीं के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही इबन बतूता भारत आया था, इबन बतूता। अब हम बात करते हैं फिरोशा तुगलक की। ये मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न थे। इन्होंने ये चार तरह के टैक्स चलाए थे। एक लैंड टैक्स चलाया जिसको खराज बोलते हैं, और जकत के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया था, जिज्या के अंदर नॉन मुस्लिम की जो भी नॉन मुस्लिम उसके शासनकाल में रह रहे हैं वो टैक्स देंगे, और खम्स टैक्स लगाया था। ये चार तरह के इसने सिस्टम स्टार्ट किए थे। फिरोज शाह तुगलक इस्टेब्लिश्ड। जो फिरोज शाह तुगलक थे इन्होंने ये चार शहर बसाए थे। ये चारों ही शहर इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इकट्ठा लिख दिया है, क्वेश्चन की तरह नहीं पूछा, मैंने इसको ऐसे डिटेल में बता दिया कि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्टली पूछे जाने वाली चीज़ तो है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद तो फिरोज से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया होगा। फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, जौनपुर, ये सब पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। हु इंट्रोड्यूस दीवाने खैरात। जो दीवाने खैरात था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, जो दीवाने खैरात इंट्रोड्यूस किया था फिरोज शाह तुगलक ने। बेसिकली इसके अंदर होता क्या था, जो भी गरीब परिवार की लड़कियां होती थी उनकी इसके थ्रू शादी करवाई जाती थी, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। रज़िया सुल्तान वॉज डॉटर ऑफ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो रज़िया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की डॉटर थी, और जिनकी मौत हुई थी ये कैथल के नियर अबाउट हुई थी। हु इस्टेब्लिश्ड आगरा सिटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोधी। क्यों, हालांकि आगरा सिटी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन थी, ताजमहल बना या फोर्ट बना, वो बाद में मुगल शासक ने बनवाया, अकबर ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, लेकिन जो शहर जो था ये बसाया था सिकंदर लोधी ने। लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। जो लास्ट रूलर थे वो थे इब्राहिम लोधी, क्योंकि 1526 के अंदर पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, और इसी तरह से दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई थी और इंडिया के अंदर मुग़ल शासक जो है आ गए थे, जो कि पहला था बाबर। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ है जो स्क्रीनशॉट लेने वाली है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने डायनेस्टी और फाउंडर की जो स्लाइड खोली थी, तो अगर इन केस याद ना रहे या लिख नहीं सकते आप, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ताकि इन केस फर्दर आप उसकी रिवीजन कर सकें, और रिवीजन ज़रूर करते रहिए, सो दैट कि वो चीज़ आपके दिमाग में फिट बैठ जाए।
तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखा है या जस्ट देखा भी है तो एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। इतिहास में जो है पागल राजा, मैंने पढ़ाया भी है इसके अंदर, जो पागल शासक का जो टाइटल था वो किसे मिला था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।